हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेज एंड बेसिस की। हालांकि आपको पता चल ही गया होगा कि आपका 25% ऑफ सिलेबस इसमें से एलिमिनेट कर दिया गया है। तो मैं सेलेक्टेड पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, वही सारे टॉपिक कवर करूंगा जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने हमें उसका पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है। तो इस सेशन में हम एसिड बेस और अल्कलाई के बारे में जानेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस को ही हम अल्कलाई कहते हैं, और अल्कली जैसा आप चाहो जैसे प्रोनाउंस कर सकते हो। तो बेसिकली एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दो पार्ट में डिवाइड है, और बेस भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में डिवाइड होता है। तो आइए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किसे कहते हैं हम पहले समझते हैं। तो बेटा, ऐसा कोई कंपाउंड जिसे वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन मिलते हैं, और वो कंपाउंड पूरी तरीके से डिजॉल्व होगा, यानी कि कंप्लीटली डिजॉल्व होगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया HCl का, ठीक है। अब ये HCl जब वाटर में डिजॉल्व होगा, तो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद आपको हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोरीन एज अ एन आयन के फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा। आप जानते ही हैं, एसिड बेस वाले में आपने पढ़ा था। तो जब कोई ऐसा कंपाउंड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, हम उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी वो वाटर में के कांटेक्ट में आते ही वो डिसोसिएट हो जाएंगे, उसके एटम्स, उसके मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएंगे। यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे हमें हाइड्रोजन आयन मिलता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस में कौन आएगा? वीक बेस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वीक बेस में मैं ले लेता हूं आपका विनेगर, एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। अब जैसे CH3COOH को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो बेटा ये कंप्लीटली डिजोल्व तो नहीं होता है। हालांकि वीक एसिड भी आपको हाइड्रोजन आयन ही देगा, CH3COO ये नेगेटिव, और ये आपका आएगा हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन वीक एसिड में पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं होता है, वो फिर से कंबाइन हो जाएगा, वो आपका कंपाउंड जो है क्या हो गया, हो ही नहीं रहे। ये देखो, ये इरिवर्सिबल है। यानी एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मान लो कि मैंने 10 मॉलिक्यूल लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो ये 10 के 10 मॉलिक्यूल जो हैं आपको हाइड्रोजन आयन देंगे, 10 हाइड्रोजन आयन मिलेगा, 10 क्लोरीन आयन मिलेगा, ठीक है बेटा। तो उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वीक बेस में क्या होता है बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल लिया एसिटिक एसिड का, इसमें से बेटा 10 में से ना सिर्फ दो मॉलिक्यूल जो होंगे वही आपको हाइड्रोजन आयन देंगे, बाकी के 8 वापस से एसिटिक एसिड फॉर्म कर देंगे, यानी डिजॉल्व होंगे ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड में दे आर कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं पानी में, और जो वीक बेस होता है बेटा ये पार्शियली होता है। पार्शियली का मतलब होता है बेटा हाफ, पार्शियली डिजॉल्व होता है। यही डिफरेंस है आपका वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है बेटा, जो भी आपका कंपाउंड है वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचेगा। लेकिन जब वीक एसिड की बात करूंगा बेटा, तो वहां पर हार्डली एक दो मॉलिक्यूल ही डिजॉल्व होंगे, बाकी वापस से आप अपने ओरिजिनल कंपाउंड फॉर्म में आ जाएंगे। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको हाइड्रोजन आयन मिलता है, और वीक एसिड में आपको हाइड्रोजन आयन कम मिलता है। यही फर्क है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में। स्ट्रॉन्ग एसिड के और भी एग्जाम्पल हैं, आपने पढ़ा होगा जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसके सारे पार्टिकल सारे मॉलिक्यूल्स पानी में जाने थे वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और आपस में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। दूसरा बोलो HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड HNO3, आपके टेक्स्ट बुक में बेटा ये ना सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से उसको कॉपी कर सकते हो। ओके,
वीक बेस में भी आपको वहाँ पर दिया है, ठीक है, CS CO3 दिया है, और भी इसके एग्जांपल हैं, आप टेक्स्ट बुक को रेफर कीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछिएगा। तो जिस तरीके से स्ट्रांग एसिड में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन मिल रहा है जो कि एक बेसिक रेडिकल है, एक बेसिक रेडिकल है, ठीक है, और वीक एसिड में भी आपको हाइड्रोजन आयन मिलता है जो कि बेसिक रेडिकल है, लेकिन क्वांटिटी यहाँ कम है, थोड़ा मिलता है, थोड़ा डिजॉल्व होता है। वीक में मतलब थोड़ा डिजॉल्व होगा, स्ट्रांग में मतलब ज़्यादा डिजॉल्व होगा, और जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा, जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा, इसके एलिमेंट अलग अलग होंगे, उतना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन मिलेगा, वीक एसिड में नहीं मिलता है, इतना ही आपको समझना है। अब बात करता हूँ स्ट्रांग बेस की। अब स्ट्रांग बेस के लिए मैं क्या ले सकता हूँ, चलो इसको भी आप समझ जाओ क्या होगा। चलो मैं मान लो कि जैसे मैंने NaOH लिया, इसे भी मैंने वाटर में डिजोल्व किया, NaOH को मैंने वाटर में डिजोल्व किया, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको OH आयन मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको OH आयन मिलेगा। तो OH जब आयन आपको मिलेगा तो वो आपका हो जाएगा स्ट्रांग बेस। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 मॉलिक्यूल लिया, ये 10 के 10 डिसोसिएट होंगे, यानी कंप्लीटली डिजोल्व होंगे, स्ट्रांग बेस कंप्लीटली डिजोल्व होंगे, और 10 मॉलिक्यूल देंगे आपको हाइड्रोक्साइड आयन के, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन के आपको 10 मॉलिक्यूल मिलेंगे। 10 अगर मान लो 10 मॉलिक्यूल मैंने कोई एक बेसिक कंपाउंड का लिया, वहीं अगर मैं वीक बेस की बात करूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, NH4OH, मैं आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, बेटा ये सिंगल एरो है, डबल एरो, ये होता है इरिवर्सिबल, मतलब एक बार इन दोनों का ब्रेकडाउन हो गया तो दोबारा कंपाउंड नहीं बनेगा, लेकिन ये होता है रिवर्सिबल, यानी ये दोबारा बन जाएगा, एक बार NH4 अलग होगा, ठीक है, ये भी आपको हाइड्रोक्साइड आयन देगा, लेकिन मान लो जैसे मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए, तो इसमें से बेटा ना सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ही आपको हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, बाकी के 8 कहाँ गए, वो रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है बेटा, ये होता है ये रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होता है। तो वीक बेस में क्या होता है, आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा बट कम, यानी कि यहाँ पर इनका डिसोसिएशन जो है वो कम्प्लीटली नहीं होता है, जबकि स्ट्रांग बेस में डिसोसिएशन कम्प्लीट हो रहा है, सब पूरी तरीके से डिजॉल्व होगा, यहाँ पर पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होता है, बस यही आपको दिमाग में रखना है। तो अल्कली हम किसे कहते हैं, अल्कली हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जहाँ से हमें ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। तो आज ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ मिल रहा है, स्ट्रांग बेस में मिल रहा है, वीक बेस में नहीं मिलता। स्ट्रांग एसिड में मिलेगा नहीं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन आयन है, वीक एसिड में भी हाइड्रोजन आयन है। थोड़ा मुझे थ्रोट में इन्फेक्शन है, इसलिए मैं ज़्यादा लाउडली बोल नहीं पा रहा हूँ, आप घबराइए मत, थ्रोट में इन्फेक्शन या वो कोरोना का ऐसा इतना दिन थोड़ा सा ठंडा गर्म हो जाता है, तो मैं ज़्यादा लाउडली नहीं बोलूँगा, आज आपको आज के सेशन में थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। तो मैंने जैसा कहा आपको, अल्कली कंपाउंड वो होते हैं जिस कंपाउंड से हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं, ठीक है, तो कहाँ से मिलते हैं अपने को, स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग बेस से हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रांग बेस, आई मीन स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रांग बेस, वीक बेस, एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं, एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में भी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, अच्छा वो भी आप यहीं से समझ लीजिए, एसिडिटी क्या होता है और बेसिसिटी क्या होता है। एसिडिटी यानी कि जिस कंपाउंड से आपको एसिडिक रेडिकल मिल रहे हैं, यानी अगर मैं बात करता हूँ एसिड की, तो एसिड में आपको क्या मिल रहा है, एक बेसिक रेडिकल मिलता है, तो ये इसकी बेसिसिटी हो जाएगी। तो किसी भी एसिड कंपाउंड की बेसिसिटी किससे पता चलती है, हाइड्रोजन आयन से, क्योंकि वो आपका बेसिक रेडिकल है, वो आपका बेसिक रेडिकल देता है। किसी भी कंपाउंड का एसिडिटी कैसे पता चलती है, उसके एसिडिक रेडिकल से। OH क्या होता है, नेगेटिव है ना बेटा, एनायन है, यानी कि एसिडिक है। तो अगर आपको किसी भी कंपाउंड की बेसिसिटी जाननी है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि उसके अंदर के एसिडिक रेडिकल कितने हैं। तो कभी भी बेस से जो एसिडिक रेडिकल मिलता है, उस बेस का वो एसिडिटी होता है, और जिस कंपाउंड से आपको एसिडिक रेडिकल मिलते हैं
आई मीन बेसिक सॉरी पॉजिटिव है तो बेसिक रेडिकल मिलते हैं तो वो उसकी एसिडिटी कंपाउंड की बेसिसिटी कहलाती है। बेस से आपको एसिडिटी मिलता है तो उस बेस का एसिडिटी हो गया, और यहाँ पर कंपाउंड से ये एसिडिक कंपाउंड से आपको बेसिसिटी का पता चलता है उस कंपाउंड का, यही दोनों डिफरेंस है। एक टेबल है आपके पेज नंबर 61 पर, आइए थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो भैया, किसी भी कंपाउंड की बेसिसिटी और एसिडिटी किससे पता चलती है कि वहाँ पर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेंड हो रहे हैं। जैसे HCl में हाइड्रोजन आयन जो है कितना है, यहाँ पर एक ही है ना बेटा, तो ये नंबर ऑफ कितना हो गया हाइड्रोजन आयन, एक, तो इसकी बेसिसिटी होगी वन। किसकी, इस एसिड कंपाउंड की। HCl एसिड है बट इसमें हाइड्रोजन आयन है ना, जो कि बेसिक रेडिकल है, तो उसके बेसिक रेडिकल से किसी भी कंपाउंड के उसके बेसिक रेडिकल से उस कंपाउंड की बेसिसिटी पता चलती है। HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड है, और नाइट्रिक एसिड में जो आपका हाइड्रोजन आयन है वो कितना है, वन, तो इसकी इस एसिड कंपाउंड की बेसिसिटी कितनी होगी, वन। उसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में कितना है हाइड्रोजन आयन, दो, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, दो। हालांकि ये सब एसिडिक कंपाउंड है बट हम इसकी बेसिसिटी पता कर रहे हैं। इसमें बेसिक रेडिकल कितना है H2CO3 में, दो, देखो ना H2 है। इस बोरिक एसिड में कितनी है H3BO3, तीन, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, तीन। फॉस्फोरिक एसिड में कितनी होगी, तीन, देखो ना बेटा H3 है तो। और हमें हाइड्रोजन आयन से ही पता चलता है ना बेटा, किसी भी एसिडिक कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन आयन है उससे हमें उस कंपाउंड की, उस एसिडिक कंपाउंड की बेसिसिटी पता चलती है। यह आपका हो गया एसिटिक एसिड, विनेगर जिसे हम कहते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, तीन, सॉरी, यह आपका CH3COO, ये, और यहाँ पर हाइड्रोजन है आपका एक, ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी हो गई वन। उसी तरीके से अब मैं बेस में आऊँगा, तो बेस में मुझे क्या मिलता है, हाइड्रोजन आयन, जो कि एसिडिक आयन है, जो कि एक एसिडिक आयन है। एसिड कंपाउंड से आपको बेस आयन मिलता है, बेसिक आयन मिलता है, क्या, कौन सा आयन मिलता है बेटा, बेसिक आयन, तो इससे हम इसकी बेसिसिटी पता करते हैं एसिडिक कंपाउंड की। वहीं दूसरी तरफ, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो बेटा, हाँ समझ जाए इसे, फिर से रिपीट करके सुन लेना, किसी बेसिक कंपाउंड से आपको कौन सा आयन मिलता है, एसिडिक आयन मिलता है, एसिडिक रेडिकल मिलता है, तो उस हिसाब से हम बेस का क्या फाइंड करते हैं, एसिडिटी, ठीक है, हम किसी भी बेस कंपाउंड की एसिडिटी का पता लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें एसिडिक रेडिकल मिल रहा है, हमें कौन सा रेडिकल मिलता है, एसिडिक रेडिकल। अब देखो NaOH में OH आपका एसिडिक रेडिकल है, तो हमें बेस का एसिडिटी पता चलेगा, कितना OH ग्रुप है, वन है। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कितना है, वन है। कैल्शियम डाईहाइड्रोक्साइड है, दो है, तो यहाँ पर दो हो जाएगा। यहाँ पर भी OH दो है, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, दो। यहाँ पे तीन है, तो इसकी बेसिक एसिडिटी कितनी हो जाएगी, तीन। देखो है कंपाउंड सब बेस, लेकिन हम क्या पता कर रहे हैं, एसिडिटी, क्यों एसिडिटी पता कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक रेडिकल मिल रहा है। यह आयरन से कितना मिलेगा, OH तीन, तो तीन इसकी एसिडिटी हो गई। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से OH कितना है, वन, तो ये उसकी हो गई एसिडिटी। सो आई होप आपको यह टेबल समझ में आया होगा, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ओके स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर बात करूँगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस की, यानी कि कोई भी कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, फिर वो चाहे एसिड हो या फिर बेस। जैसे कि एग्जांपल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैंने दो बीकर लिए हैं, दोनों बीकर में मैंने वाटर ले रखा है। यहाँ पर मैंने वाटर जो है वो 5 ml लिया है, यहाँ पर जो वाटर है वो मैंने 15 ml लिया है। 5 ml वाटर में मैंने 5 ml लेमन जूस ऐड किया है, और यहाँ 15 ml वाटर में 5 ml लेमन जूस मैंने ऐड किया है, लेमन जूस जो कि सिट्रिक एसिड होता है उसमें। तो मैंने एक ऐसा एसिड लिया है और उसे दोनों
एक अलग अलग प्रपोर, लेमन जूस का प्रपोर्शन तो वही है, 5 ml इस बीकर में भी है, 5 ml इस बीकर में भी है, लेकिन जो वाटर की जो प्रपोर्शन है, वाटर का जो प्रपोर्शन है वो अलग है। यहाँ पर 5 ml में मैंने लेमन जूस मिलाया है और दूसरे बीकर में 15 ml में मैंने लेमन जूस, 15 ml वाटर में 5 ml मैंने लेमन जूस मिलाया है। अब आप इसे स्टर कीजिए, यानी इसको मिक्स कीजिए चम्मच या स्पून से, और टेस्ट करके आप बताइएगा कि जो टेस्ट आपको पहले बीकर से आएगा क्या सेम टेस्ट आपको दूसरे बीकर से आएगा। द आंसर इज नो। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर मैंने लेमन जूस की मात्रा पानी की अपेक्षा ज़्यादा रखी है, यानी अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो वो 1:1 का हो जाएगा, क्योंकि 5 ml लेमन जूस है, 5 ml वाटर है। लेकिन वही जब मैं यहाँ पर निकालूंगा रेशियो, तो 1 ml में मेरा 3 ml वाटर है। तो बेसिकली यहाँ रेशियो कौन सा बड़ा होगा? 1:1 का रेशियो बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो मात्रा है प्रपोर्शन में ये ज़्यादा है। मात्रा आपको लग रहा होगा सर 5 ml यहाँ भी है, 5 ml यहाँ भी है, बट बेटा प्रपोर्शन में हम देखेंगे तो इसका प्रपोर्शन ज़्यादा होगा 1:1 का, मतलब ये ऑलमोस्ट 50% है, और ये 20% आप बोल सकते हो या 25% बोल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, परसेंट में बात करूँगा तो लेमन जूस का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर 50-50% है। इस केस में क्या हो रहा है, 25% लेमन जूस है और 15% वाटर है, यानी यहाँ पर लेमन जूस की मात्रा कम हो गई ना एज वाटर को देखा जाए तो। अगर वाटर 15 है तो लेमन जूस भी मुझे 7.5 लेना चाहिए था, जिस हिसाब से मैंने इसको 1:1 में लिया है, बट यहाँ पर मैंने क्या किया, वाटर लेमन की जो प्रपोर्शन है वो मैंने कम कर दी है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा एज कम्पेयर टू द बीकर नंबर 2। तो बेसिकली होता क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पर। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? सॉल्वेंट बेटा सॉल्यूट, सॉरी मैंने सॉल्वेंट कह दिया, सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। सॉल्यूट वो कंपाउंड जो मिक्स होने वाला है, और सॉल्वेंट उसे कहते हैं जिसमें वो मिक्स होने जा रहा है। सॉल्यूट वो होता है जो कंपाउंड ऐड हो रहा है, और वो किसमें ऐड हो रहा है, वाटर में। यानी यहां पर वाटर मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट, लेमन जूस क्या होगा, सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाएंगे, ये मिलकर बनाएंगे सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन बेटा सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्स होने पर ही बनता है। कोई भी सॉल्यूशन है आपका वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स होने पर बनता है, और तब हम डिसाइड करते हैं कि जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है। यहाँ पर आपका ये वाला जो पहले बीकर का सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसे हम कहेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी जो मेरा बीकर नंबर 1 है, ये बीकर नंबर 1 जो मेरा है ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जबकि जो बीकर नंबर 2 है ये आपका डाइल्यूटेड है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा कम हो है, यहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा इस सॉल्यूशन में कम है। तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम होगी वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, अगर फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरी वीडियो को फिर से प्ले करके देख लिए बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। मेन समझ जाइए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। जैसे आप दूध में पानी मिलाते हैं तो पानी मिला रहे हो ना, तो पानी वहां पर आपका सॉल्यूट कहलाएगा। हर बार वाटर ही सॉल्वेंट नहीं है, आप किस में क्या मिक्स कर रहे हो ये डिपेंड करता है। दूध में पानी मिलाया तो दूध आपका सॉल्वेंट है, और मिला क्या रहा है, पानी, वो आपका सॉल्यूट है, तब जाके मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन तैयार होगा। अब अगर ज्यादा पानी मिला दिया, डाइल्यूशन बढ़ा दिया, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, है ना, और अगर कम पानी मिलाया तो वो डाइल्यूटेड कहलाएगा, क्योंकि मात्रा पता नहीं चल पाएगी ना, दूध का टेस्ट एज इट इज रहने वाला है। ओके फाइन, तो इससे आपको कॉन्सेंट्रेशन समझ गया। अच्छा, किसी भी कंपाउंड का अगर कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला होता है ग्राम अपॉन लीटर,
यानी आप कितना ग्राम ले रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पर लेमन जूस 5 ml लिया है लिक्विड, इसलिए तो ऐसे कोई भी कंपाउंड आपका आप मास ले रहे हो बेसिकली, है ना, मास इन ग्राम, ग्राम को, है ना। तो किसी भी कंपाउंड का आप ग्राम ले रहे हो और कितने लीटर में ले रहे हो, इससे पता चलता है कि हम वो कंपाउंड कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, वो कंपाउंड कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। अच्छा, दूसरा इसका एक और यूनिट है मोलार पर लीटर, मोल पर लीटर हम जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, मोल, जिसे हम कहते हैं मोलारिटी ऑफ कंपाउंड। सो अगर आपको मोलारिटी ऑफ कंपाउंड पूछा तो बेसिकली क्या पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। तो मोलारिटी कैसे निकालते हो, मोल पर लीटर, और मोल लीटर मतलब आपको ये क्वांटिटी दी गई होगी कि एक लीटर में कितना है HNO3, दो लीटर में कितना है HCl, वो आपको लीटर दिया होगा। मोल मैंने लास्ट हमने चैप्टर में पढ़ा था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में, याद होगा आपको, मोल कैसे निकालते हो, मोल ऑफ नंबर कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस ना, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, है ना, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर आप भूल गए हो तो फिर से वो चैप्टर खोल लेना, या इससे आपको मोल पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अगर मोल पर लीटर निकालना है, जिसे हम मोलारिटी भी कहते हैं, मोलारिटी यानी कितने मोल, कितने लीटर में कितना मोल है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, या कितने लीटर में कितना ग्राम आपका कंपाउंड है उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं कि कंपाउंड आपका कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आपके टेक्स्ट बुक में टेबल दिया हुआ है, आइए हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप ये देख सकते हैं सॉल्यूट आपको दिया है, तो सॉल्यूट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम लिख लेंगे, सोडियम क्लोराइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, NaCl। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 58.5 डाल्टन मॉलिक्यूलर मास आपको आना चाहिए बेटा, ठीक है। सोडियम का होता है 40, आपको याद होगा ना, फिर क्लोरीन का होता है 35.5 समथिंग कुछ है, ठीक है। तो ये आप उस तरीके से निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास आपको आता है, मैंने लास्ट सेशन में सिखाया था। तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर आपको दे रखा है और पूछ रहा है कि कितने ग्राम आपका सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे कितना ग्राम है, क्वांटिटी यहाँ पे दी गई है 117 ग्राम, और इसका मोल पूछा है। तो 117 ग्राम में या आपका क्या फॉर्मूला है, आपको मोल यहाँ पे निकालना है। हालांकि यहाँ पे दे रखा है, लेकिन आप निकालोगे कैसे, वही फॉर्मूला लगाकर। फॉर्मूला है आपका मोल इज इक्वल टू मास, ग्राम, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम कितना है यहाँ पर आपका 117 अपॉन मास कितना दिया, मॉलिक्यूलर मास 58.5। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, तो ये 2 हो गया आपका मोल। देखो यहाँ लिखा है, कहाँ गया, हाँ ये आपका लिखा है 2 मोल, फाइन। अच्छा, लीटर आपको दिया है, तो 2 लीटर में अगर 2 मोल हैं तो उसकी मोलारिटी कितनी होगी। तो फॉर्मूला देखो क्या दिया है, E अपॉन F, E है आपका 2, F है आपका 2, दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा। और अगर ग्राम पर लीटर में निकालना है तो फॉर्मूला है D अपॉन F, यानी D अपॉन F, D है आपका 117 और F है आपका 2, तो इस 2 को 117 से डिवाइड करो तो 58.5 ही आएगा। तो ये दो क्वांटिटी है, ये दो क्वांटिटी से हम किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एक होता है ग्राम पर लीटर जैसा मैंने आपको बताया, दूसरा होता है मोलारिटी, दैट इज मोल पर लीटर, इज दैट क्लियर। दूसरा आपको है HCl, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप लिख लीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है HCl का, HCl का मॉलिक्यूलर मास कोई बता सकता है, 36.5 डाल्टन। नहीं याद है ना बच्चों, याद कर लो मॉलिक्यूलर मास, कैसे करोगे एग्जाम में।
तो अब इसका पूछा है कि इसमें कितना मोल है, तो इसका मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला ना बेटा, मास ग्राम अपॉन मास, ग्राम कितना है 3.65 है, तो इसे सॉल्व करो, ग्राम है आपका 3.65 अपॉन मास कितना है इसका, मॉलिकुलर मास है 36.5 डिवाइड करो, मान लो ये 365 है, ये भी 365 है, डेसिमल अभी भूल जाओ, तो 365 वन ज़ा 365 आंसर आएगा 1, नीचे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 1, ऊपर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 2, तो देखो ये डिवीजन हो रहा है तो इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें एक डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, ये हो जाएगा 0.1। ये बेसिक मैथ्स है बेटा, अगर नहीं समझा तो मैं समझाता हूँ, देखो ये 3.65 है, नीचे 36.5 है, अब सबसे पहले ये डेसिमल निकालो, ये डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, दो डिजिट के बाद, तो आपको नीचे बेटा ना 2 ज़ीरो देना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया 365, और नीचे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1, तो अपोजिट साइड में 1 ज़ीरो देना पड़ेगा, यानी कि ऊपर 1 ज़ीरो जाएगा और नीचे 365 के पास 2 ज़ीरो जाएगा। तो बेटा जब डेसिमल हटाना था तो मैंने ऊपर 0 दिया, और वो भी कितना, जितने डिजिट के बाद है, और जब ये 0 हटाना होगा तो फिर डेसिमल लगाना होगा, ठीक है, डेसिमल निकाला तो 0 दिया, और जब 0 हटाओगे तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया 365 वनजा, और ये ज़ीरो कैंसिल, तो ये कितना बचा नीचे 10 बचा, ऊपर क्या आएगा 1 ना बेटा, तो आंसर क्या आया आपका 1/10, 1/10 इज, अब देखो नीचे एक डिजिट 1 ज़ीरो है, तो ये 0 अगर मुझे हटाना है तो ऊपर मुझे डेसिमल देना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया 0.1/1, और डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू होती नहीं है, तो आंसर आएगा आपका 0.1। ये सिंपल था, लेकिन ये मुझे आपको कैलकुलेशन समझाना था, इसीलिए मैंने ये आपको सॉल्व करके बताया, तो 0.1 मोल ये आ गया आपका, तो चलो यहाँ लिख दो 0.1 मोल। अब यहाँ पर 1 लीटर दिया है, तो अगर आपको ग्राम पर लीटर निकालना है तो ग्राम कितना है यहाँ पर देख लो 3.65 ग्राम अपॉन एफ, फॉर्मूला है ना डी अपॉन एफ, डी कितना मिला 3.65, ले लो 3.65 अपॉन डी, यहाँ पे ले लिया है मैंने, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, अभी मैं मिटा दूँगा, डी अपॉन एफ, एफ कितना है आपका यहाँ पर 1 है ना, तो 365/1, और हालांकि 1 में डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नहीं होती है, तो ये आंसर कितना आएगा आपका 3.65 ग्राम पर लीटर। अगर मोलारिटी फाइंड करनी है तो मोल ले लेंगे, सिंपल, मोलारिटी फाइंड करनी है तो मोल ले लो, देखो ना ई अपॉन एफ, ई मीन्स वॉट मोल, तो मोल कितना है 0.1 है, 0.1/1 है ना, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, अरे डिनोमिनेटर में 1 का तो वैल्यू होता ही नहीं है, तो 0.1 मोल, इस तरीके से आपको ढूंढना था। थर्ड आपको कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, ग्राम नहीं दिया है, मोल दिया है, तो आप क्या करोगे, इसका पहले तो मॉलिक्यूलर मास ढूंढ लो, इसका एटलीस्ट पहले मॉलिक्यूलर मास ढूंढ लो, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का, मैंने बताया था आपको, आप इनकी मदद से इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कीजिए, तो मुझे पता है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप खुद से ढूंढिएगा, 40 डाल्टन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, हाँ अब ग्राम, फॉर्मूला आपको क्या बताया था मैंने, सॉरी फॉर्मूला क्या बताया आपको, यही बताया ना, मोल इज इक्वल टू मास ग्राम अपॉन मास, और यहाँ पर आपको क्या दिया है, देख लो क्या दिया है, मास दिया है, ग्राम नहीं दिया है, और मोल तो दिया है, तो पुट करो फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्या है आपका,
मोल इज इक्वल टू ग्राम अपॉन मास। तो मोल आपको दिया है यहाँ पर 1.5 मोल दिया है। देखो बच्चा यहाँ पर मोल आपको दिया है ना, ये मोल NaOH का 1.5। ग्राम नहीं दिया है, मॉलिकुलर मास तो दिया है वो ले लो 40। ग्राम नहीं दिया है तो ग्राम का ग्राम रहने दो, और नीचे मास तो दिया है मॉलिकुलर मास जो हमने फाइंड किया। अबे डिनोमिनेटर में 40 है, यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, 40 × 1.5 कितना हो जाएगा 60 ग्राम। देखा हमने ग्राम फाइंड कर लिया, हमने ग्राम फाइंड कर लिया 60 ग्राम। अब आ जाओ इसमें कॉन्सेंट्रेशन पता करो दो फार्मूला से, ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर से। तो ग्राम पर लीटर अगर फाइंड करना है तो डी अपॉन एफ लेंगे, डी कितना है 60, एफ कितना है 2, यानी कि 60/2 आंसर इज 30 ग्राम पर लीटर। ठीक है बेटा, डी डी आपका 60 है, एफ एफ आपका 2 है, तो 60/2 30 ग्राम पर लीटर। मोलारिटी के लिए मोल लेंगे, मोल कितना है आपका, देखो मोल मोल आया आपका 1.5 ले लो, 1.5 मोल अपॉन लीटर, लीटर कितना है आपका 2, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, ओके सो 0.75 मोल। तो बेटा इस तरीके से आपको ये करना था कि किसी भी कंपाउंड का आप कैसे कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, ये आपके टेक्स्ट बुक में है एक्सरसाइज में, हम करेंगे और ये टॉपिक आपका ओमिट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप इसे घर पे ट्राई कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। सो मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ़ रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।